तो ले ली लैपटॉप के बारे में जानकारी, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस में अभी भी डाउट है तुम्हें। तो आज हम इस 2021 Asus TUF A15 गेमिंग लैपटॉप के ऊपर 7 गेम्स टेस्ट करेंगे एंड आई होप कि इस वीडियो से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक देखना ताकि तुमसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो बस फिर शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त युश, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो गेमिंग टेस्ट शुरू करने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि मेरे पास कौन सा वेरिएंट है। तो इसमें हमारे पास है Ryzen 7 4800H 8 core 16 threads वाला ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर 4GB का RTX 3050, 8GB की RAM है इसके अंदर DDR4 3200 MHz के साथ, और इसमें हमारे पास 512GB की SSD है। और कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर तुम्हें मिलता है लेटेस्ट Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.2, या फिर तुम RJ45 LAN पोर्ट से भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो मैंने सारे गेमिंग टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल रूम कंडीशंस पे किए। अभी सर्दियां चल रही है तो पंखा वंखा सब बंद था, और बाकी रूम टेम्परेचर तुम्हें साइड बाय साइड दिख जाएगा। तो बस फिर अब सीधा गेम टेस्ट पे चलते हैं। तो पहले तुम GTA 5 की सेटिंग्स देख सकते हो कि भाई किन सेटिंग्स पे हमने टेस्ट किया है। तो गेम प्ले की बात करें तो तुम सारे स्टैट्स को देख सकते हो, टेम्परेचर, FPS वगैरह सारी चीजें। तो फ्रेम्स की बात करें तो इसमें हमें 70 से 80 फ्रेम्स बड़े आराम से मिल रहे थे। कई जगह पर तो 80 भी टच हो रहा था। तो गेम प्ले की बात करें तो बहुत ज्यादा स्मूथ था और कोई भी लैग नहीं था, और खेलने में भी मजा आ रहा था ओवरऑल बताऊं तो। और बाकी सब तुम्हारे सामने है। तो वेलोरेंट भी हमने रेकमेंडेड सेटिंग्स पर ही खेला था, ज़्यादातर हाई थी। तो तुम सारे स्टैट्स देख सकते हो, और यहाँ पर मुझे 80, 90, 100 FPS तक कई जगह पर टच होते हुए मिल रहे थे। ज़्यादातर 90 FPS के आसपास टच हो रहे थे। तो इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि यार वेलोरेंट में कम FPS क्यों आ रहा है जबकि Ryzen 7 प्रोसेसर है। अब वो ऐसा इसलिए क्योंकि यार Ryzen 7 के साथ अगर तुम डुअल चैनल रैम लगवाओगे तो वो ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म करेगा, और फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा तगड़े FPS देखने को मिल सकते हैं। बट सिंगल चैनल रैम के साथ इतनी परफॉर्मेंस मिलती है हमें अगर वेलोरेंट में देखे तो बाकी तुम देख ही सकते हो जो चीज़ थी वो तुम्हें दिख रही है। तो अब तुम Red Dead Redemption 2 की सेटिंग्स को भी देख सकते हो कि किन सेटिंग्स में हमने टेस्ट किया था। और यार इस गेम के अंदर ना जो परफॉर्मेंस इस लैपटॉप में हमें मिली है वो भाई बिल्कुल ही शॉकिंग है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेम है और Rockstar Games की तरफ से आता है। अगर तुमने नहीं खेला तो ज़रूर ट्राई करके देखना। तो काफ़ी तगड़ा और काफ़ी हैवी गेम है। तो इसके अंदर हमें यार 70+ FPS टच होते हुए दिख रहे थे जबकि कई लैपटॉप्स में 60 भी मुश्किल से टच होते हैं। तो ओवरऑल बताऊँ तो भाई मज़ा आ गया ये चीज़ देख के, और गेम प्ले भी एक नंबर था। तो इसके बाद Assassin's Creed Odyssey का बेंचमार्क रन करा था, और इसके अंदर तुम देख सकते हो कि भाई 30-40 के आसपास FPS टच होते हुए मिल रहे हैं। तो इस वाले गेम में यार इतने ही आते हैं ज्यादातर लैपटॉप्स में जिनके अंदर भी 4GB की VRAM होती है ग्राफिक कार्ड की। तो यूं लगा लो कि बैलेंस परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एंड में तुम देख सकते हो कि भाई हमें यहाँ पर 34 FPS मैक्सिमम टच होते हुए मिल गए थे। अब तुम कहोगे कि भाई RTX वाला कार्ड है, रेट्रेसिंग और DLSS के फायदे तो दिखा दे, तो वो भी देख लो। तो अब बार ये कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन की, और ये भी रिकमेंडेड सेटिंग्स पर हमने टेस्ट किया था। तो पहले DLSS बंद था, और DLSS बंद होने के बाद तुम देख सकते हो कि कैसी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अराउंड 65-70 FPS तक हमें मिल रहे हैं, और मेरे हिसाब से डिसेंट है भाई 4GB के ग्राफिक कार्ड के लिए। तो इसके बाद DLSS को ऑन कर दिया था, और फिर तुम देख सकते हो कि भाई 4-5 FPS तक का तो मिनिमम हमें बूस्ट यहाँ पर देखने को मिला था। 75-76 FPS तक टच होने शुरू हो गए थे। तो हाँ, DLSS का तुम्हें डेफिनेटली फायदा मिलता है। तो साइबरपंक को कैसे छोड़ सकते हैं, इसके अंदर भी रेकमेंडेड सेटिंग्स पर ही हमने गेम खेला था, और इसमें भी स्टार्टिंग में DLSS बंद था। तो DLSS बंद होने के बाद इसके अंदर मुझे थोड़ी सी परफॉर्मेंस इम्बैलेंस लगी, और ये थोड़ा गेम भी अनऑप्टिमाइज सा है। तो इसके अंदर हमें 20-25-30 FPS तक देखने को मिलते थे जब DLSS बंद था। और जब DLSS को हमने ऑन कर दिया उसके बाद FPS इंक्रीज हो गए भाई। इसके बाद हमें 35-40 के अराउंड भी FPS कई जगह पर देखने को मिल रहे थे। तो हाँ, DLSS का डेफिनेटली तुम्हें यहाँ फायदा देखने को मिल रहा है साइबरपंक के अंदर भी। उसके बाद मैंने रेट्रेसिंग को भी ऑन कर दिया था, तो रेट्रेसिंग होने के बाद तो भाई खत्म हो गया था काम, बिल्कुल ही मतलब खेलने लायक भी नहीं बचा था गेम। तो रेट्रेसिंग का तो तुम्हें इतना ज़्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा, DLSS का हाँ कह सकते हो कि तुम्हें फायदा मिल जाएगा। अब बारी अपने फोर्टनाइट की, और ज़्यादातर सेटिंग्स हाई पर ही थी और DLSS फिलहाल बंद था। तो बंद DLSS के अंदर जब हमने इसके अंदर गेम खेला तो सारी स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे सामने हैं। FPS जो है हमारे 70-80-90 तक टच होते हुए मिल रहे थे, कई जगह पर 90 भी टच हो रहे थे।
और जब हमने DLSS को ऑन कर दिया तो उसके बाद FPS कई जगह पर 100 भी टच हो गए थे, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत बूस्ट हमें मिला था, लेकिन बहुत ज़्यादा बूस्ट भी नहीं कह सकते। तो हाँ यूँ कह सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत फ़ायदा तुम्हें देखने को मिल जाएगा DLSS का अगर Fortnite के साथ भी खेलोगे तो। तो ओवरऑल बताऊँ तो गेम प्ले काफ़ी स्मूथ था, तो खेलने में बिल्कुल मज़ा आ रहा था और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। अब यार अगर तुम तगड़े वाले गेमर हो और इसके अंदर तुम 70,000 से 80,000 रुपये इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो तुम ये भी सोचोगे कि भाई मैं क्या इसे फ्यूचर में अपग्रेड कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो अगर अपग्रेड करना है तो इसके अंदर हमें 2 रैम के स्लॉट मिलते हैं, दोनों के अंदर तुम 16 GB की 2 रैम लगा के 32 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो इसकी कैपेसिटी को, और इसमें 8 GB की 1 रैम डली हुई आती है। एंड अगर तुम्हें गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो इसके अंदर तुम 8 GB की 1 रैम ओल्ड डलवा लेना, तो 16 GB की डुअल चैनल रैम बन जाएगी, और फिर तो भाई क्या FPS आएंगे, मतलब भाई साहब फुल मजा आ जाएगा तुमको। मैंने एक बार Acer Predator की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर 32 GB की रैम थी डुअल चैनल, तो मुझे पता है डुअल चैनल के भाई कितने फायदे होते हैं, अगर वो वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। तो अगर कंक्लूजन की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक GTX 1650 जैसी ही लगी जितने भी गेम्स मैंने टेस्ट किए हैं, लेकिन तुम्हें इस वाले कार्ड के साथ रे ट्रेसिंग और DLSS का फायदा मिल जाता है, मेन तो DLSS का मिलता है, जिससे तुम अपने थोड़े बहुत FPS को बूस्ट कर सकते हो। तो पुराने वाले टफ को लोगों ने हीटर का नाम दे दिया था, अब इसको क्या नाम दोगे, कूलर का नाम दोगे। तो देख सकते हो कि कितनी ज्यादा अच्छी थर्मल मैनेजमेंट कर दी गई है इस वाले लैपटॉप के अंदर। तो जैसा मैंने इसकी रिव्यू वाली वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो देख सकते हो, आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, कि Asus ने इसके अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट्स करी है। जैसे कि थर्मल्स में तो तुमने देख ही लिया होगा कि भाई टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर तो जाते ही नहीं है, और इस वाले टफ के अंदर बैटरी भी काफी ज्यादा इंप्रूव करी है। गेमिंग के लिए बैटरी नहीं कहूंगा, लेकिन वैसे इन जनरल तुम्हें जितने भी काम करने वहां तुम्हारी बैटरी बहुत सही चल जाएगी, 4 से 5 घंटे का बैकअप ये हमें दे देता है। और गेमिंग करते वक्त हमेशा चार्जर यूज किया करो, चार्जर के बिना गेमिंग मत किया करो, वरना FPS नहीं आएंगे, क्योंकि GPU को यार पावर चाहिए होती है और वो पावर बैटरी से नहीं मिलती। कि फैन नॉइज भी मुझे कंपैरेटिवली पुराने टफ से कम लगी, और रैम मैनेजमेंट भी बहुत सही लगी इस लैपटॉप की। अब और क्या इसकी जान लोगे भाई, कितना कुछ तो दे दिया इसमें, बाकी भूख तो इंसान की कभी खत्म नहीं होती। तो अगर तुम कैजुअल गेमर हो, ज्यादा डाई हार्ड गेमिंग नहीं करते, तो भाई ये लैपटॉप तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट को आराम से पूरा कर देगा, और बाकी ज्यादा क्या ही बोलूं, तुमने सब कुछ तो देख ही लिया होगा, और मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया। तो इसलिए ये वाला लैपटॉप तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा तुम्हें। अगर ये वाला लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर खरीद सकते हो, और कोई डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, वहां पे जाकर तुम मुझसे पूछ सकते हो, पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी हेल्प करने की। और अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो बस यार इतना ही था इस वाली वीडियो में, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर के बटन को ग्रे करके बेल आइकन पे होल कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही किसी फ्रेश कमाल तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।